माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास एट्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सब टॉपिक है ए नेशन इन द मेकिंग। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 इयर्स वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशंस। एक कौम को बनाने में, नेशंस इन द मेकिंग, यानी एक कौम को बनाना। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशंस। ये अक्सर कहा गया है कि कांग्रेस पहले 20 सालों में जो थी वो इतदाल पसंद थी अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स में। इस पीरियड में उनका जो मुतालबा था इंडियंस के लिए गवर्नमेंट में भी और इंतज़ामिया में भी, इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूसड इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड। वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसमें ज़्यादा नुमाइंदे को रखा जाए, उन्हें गिवन मोर पावर, ज़्यादा पावर दिए जाएँ और कायम किए जाएँ सूबे जहाँ पर मौजूद नहीं है। इट डिमांडेड डैट इंडियंस बी प्लेसड इन हाई पोजिशन इन द गवर्नमेंट। उनका यह भी मुतालबा था कि इंडियन को हाई पोजिशन में रखा जाए गवर्नमेंट में। फॉर दिस पर्पज इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। इस मकसद के लिए उन्होंने क्या कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कायम हो इंडिया में न के लंदन में। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism. ये जो मुतालबा था Indianization का, इंतज़ामिया का, ये एक तरीक का हिस्सा था किसके खिलाफ, रेशियज़म के खिलाफ। Since most important jobs at the time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibility. ज़्यादा जो ज़रूरी जॉब्स उस वक़्त पर थी वो तजारत थी, किसकी, बाय वाइट ऑफिशल्स, जो वाइट अहदेदार थे। और बरतानिया खासकर क्या करता था, उसने अख्तियार किया इंडियंस को जमवारी नहीं दी जाए। सेंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर सेंडिंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम। इसी वजह से ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे उन्होंने वो क्या करते थे, भेजते थे एक सैलरी का बड़ा हिस्सा किस में, घर में। इंडियनाइजेशन, इट वाज होप्ड इंडियनाइजेशन को ये उम्मीद थी, वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, कि क्या किया जाए, घटाया जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ को इंग्लैंड में जो थी के बारे में था। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्राम द एग्जीक्यूटिव। दूसरे जो मुतालबे थे उनको शामिल किया जाए, अलहदा किया जाए किस में, हुकाम अदालत में, निज़ाम अदल में, किस से, तमील को, उसको तमील किया जाए, तमील किया जाए। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्राम द एग्जीक्यूटिव। दूसरों का जो मुतालबा था कि वो क्या किया जाए, शामिल किया जाए किसको, कि शामिल किया जाए निज़ाम अदल के तमील को। द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्म्स एक्ट को मनसूख किया गया, मनसूख करना और जो बोलने की आज़ादी है और जो क्या है, इजहार है, उसको मनसूख किया गया। द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज्ड ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। कांग्रेस ने जो थे इकनॉमिक इशू के बारे में पहले ही से बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए थे, रेज किए हुए थे। इट डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिनिज़्म। उन्होंने यह तय किया कि बरतानिया के जो कानून हैं, ब्रिटिश के जो कानून हैं, उन्होंने गरीबी और कदसाली पैदा कर दी। इनक्रीज इन द लैंड रेवन्यू एंड एम्पोवर्शड पेजेंट्स एंड जमींदार्स। उन्होंने क्या किया, ज़मीन की आमदन को बढ़ा दिया और कंगाल कर दिया किसानों को, ज़मींदारों को। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। और जो बरामद करते थे अनाज को यूरोप से, उसमें क्या कर दी, कमी पैदा कर दी उसको जामे। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरीगेशन। कांग्रेस ने यह मुतालबा किया कि आमदन को घटाया जाए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम किया जाए और
ज़्यादा जो फंड्स हैं अपाशिक एलियन को भी कम किया जाए. इट पासड मैनी रेजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स एब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स कॉज्ड बाय इंटरफेरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने बहुत सारे तशरी पेश की सॉल्ट टैक्स पर और जो दूर दराज इंडियन लेबर्स थे उनके इलाज के बारे में, और जो सफ़र कर रहे थे जंगल के रहने वाले जो थे जो उनको मुश्किल थी जिसमें मुदाखलत करती थी कौन से फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे तजिए पेश किए. ऑल दिस शोज डैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ द एजुकेशन एजुकेटेड इलाइट, इन सब में ये दिखाई देता है कि जो तलीम के खिलाफ जो था एक क्या थी दुश्मनी थी. द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ऑनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स जिमीदार्स और इंडस्ट्री. कांग्रेस ने न सिर्फ सिर्फ पेशेवर ग्रुपों जिम्मेदारों और सनतकारी की बात ना की बल्कि उन्हें और बहुत कुछ भी के बारे में बात की. द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. इतदाल पसंद जो लीडर थे वो चाहते थे कि वो लोगों के सामने जो बेइंसाफी हुई है बरतानिया के कानून ने किया उसके बारे में आगाही दी जाए लोगों को. दे पब्लिश न्यूज़ पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकनॉमिक रियून ऑफ द कंट्री. उन्होंने शाया किए अखबारें आर्टिकल्स लिखे और दिखाए बरतानिया के कानून कैसे वो मुल्क की जो इकॉनमिक है उसको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं. दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव. दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबाइलाइज पब्लिक ओपिनियन. उन्होंने ब्रिटिश का जो कानून था उसको क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया अपनी स्पीच में, अपने बोलने में, और भेजे अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क में कि वो लोगों की राय को क्या लाएँ, हरकत में लाएँ. दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस. वो महसूस करते थे कि बरतानिया जो है वो उसके क्या राही और इंसाफ को क्या करती है, क्यास राई और इंसाफ करती है. एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियन. इसलिए वो क्या करते थे, कबूल करते थे इंडियंस की डिमांड मतालबे को. व्हाट वाज नेसेसरी, क्या ज़रूरी था. देयरफॉर इसलिए वाज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ द इंडियंस. क्या ज़रूरी था, इसलिए वो क्या करते थे, इजहार करते थे उनके मुतालबे को और गवर्नमेंट को इतला दी जाए कि इंडियंस क्या महसूस कर रहे हैं.